देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। वाराणसी मेरका परिसर में 3 दिवसीय ग्रेट इंडिया टेक्सटाइल शो और यह इंडिया एक्सपो द्वारा भव्य प्रदर्शनी लगाई गई, जहां पर बुनकरी के विभिन्न आधुनिक मशीन, पावर लूम, प्रिंटिंग मशीन इत्यादि को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन दे रही मशीनों के प्रति लोगों का विशेष आकर्षण रहा। उक्त मौके पर प्रदर्शनी में अयान इम्पैक्स के लेमन जकार्ड के उत्पादों पर विशेष लोगों की भीड़ बनी रही। अयान इम्पैक्स के अधिष्ठाता इरशाद अंसारी ने बताया कि आधुनिक ऑटोमेटेड मशीन द्वारा बुनकारी और साड़ी प्रोडक्शन बहुत जल्द व बिना दोष के संपन्न होता है। कम बिजली में और कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होने से बुनकर भाइयों को नफा होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध बनारसी साड़ियों के उत्थान के लिए ऐसी आधुनिक मशीनों पर सब्सिडी देते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। लेमन जकार्ड द्वारा बुनकर भाइयों की सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे ऑटोमेटेड मशीन का निर्माण किया जाता है। सर प्लीज अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए। मेरा नाम है इरशाद अहमद अंसारी, मेरे फर्म का नाम है अयान इम्पैक्स। सर अयान इम्पैक्स द्वारा ये जो प्रदर्शनी चल रही है, क्या उद्देश्य है और क्या इससे पहले भी आप लोग लगाते थे? हाँ, इसके पहले भी हम लोग जो है लगाए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि आज कंपटीशन का दौर है और डिज़ाइन जो है कस्टमर को नया नया चाहिए और जल्दी जो है व्यापारी को माल जल्दी चाहिए, तो इसमें तुरंत जो है नया नया इलेक्ट्रॉनिक जो है जकार्ड पे नया डिज़ाइन बन जाता है और इसका प्रोडक्शन जो है शटल लूम के मुकाबले ज़्यादा आता है। सर आज पूरे विश्व में बनारस की साड़ियाँ कहीं ना कहीं अपनी बुलंदी से प्रसिद्ध है, क्या लगता है कुछ गवर्नमेंट को भी इससे ध्यान देने की जरूरत है? हाँ, गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा सब्सिडी वगैरह देना चाहिए ताकि जो आम बुनकर है तो उसको आसानी से जो है पैसा अवेलेबल हो जाए ताकि वो अपना कारखाना बढ़ा सके। लगभग सर कौन कौन सी यहाँ पे मशीनें हैं और थोड़ा उसके बारे में बताएं कि कौन क्या करता है? ये जो है रेपियर लूम, इसको बोलते हैं चाइनीज रेपियर लूम, और इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड है, लेमन इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड, तो इस पर आसानी से बढ़िया जो है माल फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और माल में कोई भी जो है कमी नहीं रहती है, कोई खराबी नहीं, अच्छा माल इसमें जो है बनता है। सर क्या जो हस्तकरघा वाले वीवर्स होते थे वो धीरे धीरे मशीन पे कन्वर्ट हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। देखिए हैंडलूम का जो आइटम है, कुछ आइटम वो तो हैंडलूम पे ही बनेगा लेकिन उसके कुछ आइटम जो है वो इस पे बनते हैं, तो बहुत सारे बुनकर जो है हैंडलूम वाले वो कन्वर्ट होकर जो है रेपियर लूम लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे काशी के वैल्यूएबल कस्टमर से? काशी के कस्टमर से ये कहना चाहेंगे कि आप इसको रेपियर लूम का अच्छा जो है माल मिल जाएगा, फिनिशिंग अच्छी रहेगी और आपको माल इस पे जो है किफायती दर में